इस कहानी को सुनिए, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। पुरानी कहानी है कि तीन लोग घूमने निकले, जोधाबाई, बीरबल और अकबर। ये तीनों नदी पार कर रहे थे। अब लकड़ी का पतला सा ब्रिज था और एक बंदे के चलने की जगह थी। सबसे आगे जोधाबाई थी, उसके पीछे बीरबल और बीरबल के पीछे सबसे आखिर में अकबर था। अकबर को शरारत सूझी, उसने बीरबल की कमर में चुटकी भर दी। बीरबल को गुस्सा तो बहुत आया, सोचने लगा क्या करूं। कुछ कदम आगे चले तो बीरबल ने जोधाबाई की कमर में चुटकी भर दी। जोधाबाई को तो बहुत गुस्सा आ गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ बीरबल के मुंह पे दे मारा, और बीरबल ने उसी वक्त एक जोरदार थप्पड़ पीछे आ रहे अकबर के मुंह पे दे मारा। अकबर आग बगोला होकर बोला, बीरबल ये क्या हिमाकत है, एक छोटी सी चुटकी तो भरी थी और उसे भी काफी देर गुजर गई। तूने उस वक्त जवाब में कुछ ना कहा तो मुझे लगा तुझे महसूस नहीं हुआ होगा। तो बीरबल बोला, आपने चिट्ठी भेजी थी, ये उसका जवाब आया है। तो जवाब आते हैं, यहां कोई भेजी की चिट्ठी बिना जवाब दिए नहीं रहती। तुम जो करते हो वो कई गुना होकर लौटता है। आज अगर किसी को चुटकी भरी है तो वो कल तमाचा बन के लौटेगा, फिर चाहे तुम सोच भी ना पाओ कि मेरी चुटकी का इससे कोई ताल्लुक है। लेकिन ताल्लुक है, यही तो कर्म का कर्मा है कि दुख दोगे तो वो 10 गुना होकर लौटेगा।